अच्छा लग रहा है, वो देखो पूरा बैकग्राउंड और उसका कलर मिक्स हो गया। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दिस इज अवर शामली एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा फिर से फोटोशूट डे है और आज है सैटरडे 28 मई और टाइम ऑलमोस्ट 10:05 हो गया है। तो आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, या बोल सकते हैं कि आज फील हो रहा है कि हम प्रॉपर काम पर जा रहे हैं क्योंकि हर बार मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है रेडी होकर, यू नो 7 बजे तक आप निकल जाओ। पर आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। रात को मुझे मुश्किल से 3 बजे नींद आया, 2 बजे मैंने अपना बैग पैक करके फ्री हुआ है, फिर उसके बाद मुश्किल से नींद आया, 3 बजे तक नींद आया। अभी कोई कैसे 5 बजे उठ सकता है? तो इट्स लाइक कि मेरा नींद 5 से 6, 7, 7:30, 7:45 में बेड से उठी और मैंने फोटोग्राफर से एक्चुअली कन्फर्म किया उसको कॉल करके कि यार थोड़ा लेट हो जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बोला कि हाँ चलेगा, तो वरना हो सकता है कि हमारा डिले भी हो जाता आज का। सो मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ, मैं बेसिकली विरार ही जा रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा थीम है वो इंडोर भी और आउटडोर भी है। तो आउटडोर हम बीच पर करने वाले हैं, तो मैं हर चीज़ कैप्चर तो वैसे भी करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शूट किया है, मतलब सारे अगर मैं फोटो वगैरह भी ले रही हूँ आउटफिट एंड ऑल के हर चीज़ का क्लिप मैं ऐड करूँगी, आज सब कुछ ऐड करूँगी। सो चलते हैं और चलते हैं, अभी हमें कैब भी बुक करनी है, 2 घंटा हमें लगता है जाने के लिए। ये रहा हमारा पिटारा हमेशा की तरह, इतने सारे आउटफिट्स, प्रॉपर उसका बूट्स, हील्स जो भी है, सैंडल्स, उसके साथ उसका मैचिंग ज्वेलरी, मतलब जो लुक के साथ जाएगा, तो वो सब हमने इसमें रखा हुआ है। टोटल 4 आउटफिट्स 4 चेंजेस हम करने वाले हैं, दो इंडोर और दो। अब बैग रेडी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें शायद चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो ये है हमारा कॉन्टोर पैलेट, ये हमारा कॉन्टोर पैलेट, ये हैं हमारे आई शेड्स और ये है हमारा फेस पाउडर एंड ये है हमारा ब्लश और ये है लिपस्टिक एंड ये है हाइलाइटर, जैसा आप देख सकते हैं लैशेस के लिए है और बाकी मस्कारा, काजल, लिप लाइनर, ब्रशेस सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये होगी हमारी किट रेडी और कौन है वो शख्स, कहाँ जा रहा है? एक गुमनाम शख्स गुमनाम रास्ते पर। हे गाइस, फाइनली आई एम रेडी, मैं पहुँच गई थी और फिर हम हेयर स्टाइलिस्ट के पास गए थे कर्ल्स कराने के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। रास्ते में इतना कचरा हो गया मेरे बालों का, मैं पूरी मंजुलिका लग रही हूँ। सर मुझे एक्चुअली बालों वॉल्यूम चाहिए था, हमने आउटफिट चेंज कर लिया है चूँकि अभी हमें शूट करना है बीच थीम, हम पहले आउटडोर शूट कर रहे हैं और ये है मामाची वाड़ी बीच। आपने पहले मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देती वो दूर कहीं पेड़ों के पार बीच आता है, हम यही करने वाले हैं। ये इसके साथ अच्छा लगेगा, ये जो छोटी छोटी घास उग रही है ना, पेड़ आदि, इसके साथ। ये हमारा लोकेशन 1, ये हम शूट हम पहले भी किए थे केदर, हाँ हमने पहले भी यही किया था, व्हाइट वाला आउटफिट जो था। सेटअप जमाते हुए हमारे फोटोग्राफर साहब, कैसा लग रहा है आपको आज की शूट के लिए? आज का शूट बहुत ही टाइम से बहुत लेट है, बहुत लेट है, वो बात तो सही है। मैं वही सोच रही थी कि ये अभी तक तो कुछ बोला नहीं, थोड़ा बहुत शांत रहता है, कुछ टिप्पणी तुमने छोड़ दी फिर, चलो अच्छा किया, शगुन होना चाहिए। नहीं ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा है तो क्या है फिर? कैसे बोल रहे हो यार, ठीक है तुमको अच्छा नहीं लगा? मैं वो गजब बेइज्जती है, वो उल्टा वो अच्छा लगा है पहले वाला। चलो ठीक है, तुम पहले वाला डालना, मैं दूसरे वाला डाल दूंगी। चलो ठीक है, अभी दूसरा पोस्ट कौन सा देखा था तुमने अभी जस्ट? इसके पहले भी एक पोस्ट दिया था, कौन सा था? हाँ ओके, वो सेम था, पीछे था थोड़ा, हाँ टर्न, हाँ बस ओके, बस ओके, लाइट में देखना।
2 hours later. लुक वन हमारा डन हो गया है, अब हम जा रहे हैं रैप अप करके इंडोर्समेंट के लिए लुक टू के लिए। बहुत 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 डिले हो गया आज, शूट भी और शूट ही डिले हुआ, और क्या डिले हुआ, सारा काम डिले हो गया। तो चलते हैं, और इतनी मुद्राएं की है ना मैंने अभी, कसम से मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया फिर भी इतना दुख रहा है मेरे पैर। मम्मी ए, उठा ले रे देवा। आउटफिट चेंज कर लिया और अभी हम मेकअप करना है, टच अप एक्चुअली। दिस इज द सेकंड लुक, और सेकंड लुक हम स्टूडियो में करने वाले हैं। हमने टचअप कर लिया है और आज कर ली, मतलब आज हेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहा है, मुझे खुद भी नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब कर्ल किए थे। तो हम शुरू करते हैं, हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है। पीछे राइट साइड वो दिखेगा अभी तो नहीं दिखेगा, वेट नहीं सॉरी बेटा, वन एक मिनट में लाइट चेक कर। नहीं अच्छा लग रहा है वो, देखो पूरा बैकग्राउंड और उसका कलर मिक्स हो जा रहा है। ये इसको बंद कर लेते हैं, अभी परफेक्ट है, टेंशन मत लो। चल सर लुक पे नहीं अच्छा लग रहा है, एक मिनट देखते हैं। देखो लाइट ऐसे देते हैं पर ब्लू ब्लू मिक्स हो रहा है, तुम समझ रहे हो, क्योंकि इसका जो मटेरियल है बहुत रिफ्लेक्टिव है। ठीक है ये बढ़िया था गुरु। लुक टू में भी फोटोशूट डन, इतना थक गई मेरी कमर बहुत दर्द दे रही है, मतलब लग रहा है कि आज पता नहीं क्या हुआ है, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और शायद एनर्जी की थोड़ी सी कमी है। अब चेंज करते हैं थर्ड लुक, प्लान 4 का किया था पर स्पीचलेस। रुका वेट, अभी सामने देखना, इधर इधर सामने देखना, उधर नहीं, हाँ गाइस। सो हमने आउटफिट चेंज भी कर लिया और स्टूडियो के जस्ट सामने कुछ शनि मंदिर है उसके, तो मुझे ये ना आर्किटेक्चर बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ पिक्चर्स आ सकते हैं, हमने कुछ पिक्चर्स लिए भी हैं। और अब हम दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पिक्चर अच्छे नहीं आए, शाम हो गई है, धूप जाने वाली है, चलते हैं। मैं हमेशा कन्फ्यूज ही रहती हूँ। दिस इज आर अनदर लोकेशन, बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मेरे साउंड पर मत जाना और गालियाँ मत देना। ये बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमने बहुत इस्तेमाल किया है अपने फ़ोटोशूट के लिए, इसमें कैमरे में इतना अच्छा आ रहा है और मतलब मेरे फ़ोन के कैमरे में, और जो हमारा कैमरा है उसमें ना बिल्कुल नाइट लुक आ रहा है और मुझे डे लुक करना। आज सारे काम उल्टे हुए, सारे मतलब सारे, ये डे लुक करना था, इतना फंकी कूल प्यारा सा लुक है वो हमें नाइट लुक में पिक्चर्स निकाले हैं, जो मेन लुक था वो आज हमारा हुआ नहीं। जो इंडोर वाला था उसमें भी मुझे लग रहा है पिक्चर्स अच्छी आई हैं, पर बैकग्राउंड थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, और जो बचा
फर्स्ट शूट वो मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा गया, लुक काफ़ी सही था और पोजेस काफ़ी सही थे, लोकेशन काफ़ी सही था, बाकी सब तो रिजल्ट्स देख के पता चलेगा। सीरियसली मतलब मैं आज क्या कहूँ, आज ऐसा लग रहा है कि सब उल्टा पुल्टा हुआ है। सो आइए हम राय जानते हमारे फोटोग्राफर की कि आज कैसा रहा शूट। हाँ तो बताइए आज का शूट कैसा रहा? आज का शूट बहुत गंदा रहा। बहुत गंदा रहा? नहीं अच्छा था, मतलब एक पार्ट अच्छा था। अभी क्या बोल सकते हैं, हमारी मॉडल ही बहुत लेट आ चुकी थी। हाँ मॉडल लेट आई थी, मॉडल कंफर्म करके आई थी। क्या खराब गया ये बताइए? लाइक टाइमिंग बहुत गलत। अरे टाइमिंग में शूट में क्या खराब था? हाँ तो टाइमिंग मेन, मतलब इम्पोर्टेंट टाइमिंग है ना, टाइमिंग लेट होने की वजह से। तो इंडोर में तो टाइमिंग मैटर करती नहीं कभी भी हो। हाँ तो अभी आउटडोर था ना, ये आउटडोर था। हाँ तो ये लास्ट वाला, फर्स्ट तो सेकंड तो सही गया ना। अभी क्या बोल सके, क्योंकि तुम्हारा मतलब सच्ची बोल दो राइट, मतलब जो आउटफिट थे वो मतलब डिसाइड करना भी गलत हुआ। अगर ये दोपहर को यही अगर ये आउटफिट पहले पहनती थी जैसे 12 बजे आई थी तो वो हमारा हेयर्स पहले होना था, क्योंकि वो पार्लर वाली तुमने बोला फ्री नहीं है, मतलब ये चल जाता था उसपे। तभी ऐसा डिसाइडेड नहीं था ना, ये वाले पे मैंने बन बनाने का सोचा था लेकिन टाइम नहीं था तो फिर मैंने बन नहीं बनाया।